मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले इंदौर के व्यापारियों का सड़कों की बदहाली को लेकर गुस्सा फूटने लगा है। पालदा औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों ने नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते सड़क नहीं तो टैक्स नहीं देने का फैसला लिया है। दरअसल पालदा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण बारिश के समय आए दिन माल से भरे वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं, जिससे व्यापारियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। खराब सड़क से परेशान पालदा औद्योगिक क्षेत्र के 400 से ज्यादा उद्योगपतियों ने गुरुवार को बैठक कर फैसला लिया कि जब तक नगर निगम अपना वादा पूरा करते हुए सड़क नहीं बना लेता, तब तक वे संपत्ति कर व अन्य टैक्स के 4 से 5 करोड़ रुपए नहीं भरेंगे। औद्योगिक संघ के अध्यक्ष के अनुसार व्यापारी सालों से खराब सड़कों से परेशान हैं। बीते साल भी कार्य बाहर रखकर बैलगाड़ी से दफ्तर जाना शुरू किया था। इसके बाद खुद निगमायुक्त ने दौरा कर मुख्य सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन अगली बारिश आ गई और कोई काम नहीं हुआ था। उद्योगपतियों की नाराजगी इस बात पर भी है कि यहाँ की 2 मुख्य सड़क में से एक तो बनी नहीं, दूसरी उन्होंने अपने खर्चे से बनवाई थी तो उसे निगम ने स्टॉर्म वाटर लाइन के लिए खोद दिया। औद्योगिक क्षेत्र में जाने का रास्ता ही नहीं बचा, जिसके चलते व्यापारियों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।